बस शर्मा रहा है, शर्मा मत दे दो ना, बच्चे कितना कह रहे हैं। भैया भैया एकदम सही करवाया तुमने। कुछ और करना है, कोई और नया तमाशा या फिर खाना खाए? हाँ हाँ बेटा, मंगल जल्दी से सबके लिए खाना लगाओ, वैसे भी बहुत देर हो गई है, सबको भूख लगी होगी, है ना? हाँ खाना तैयार है, बस अभी लगा देती हूँ। अपनी बहन लिपिका को समझाओ कि बच्चों वाली हरकतें बंद करें और अपनी फैमिली को ना गवारों की तरह हरकत करने से रोको। हद है यार, पूजा के दिन तो ये सब करता है, फिल्मों में क्या होता है वो करें हम। जी बोल दियो। और क्या लगा तुम्हें, ये फ्लावर्स मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं? अंदर जाओ, आईने में अपनी शक्ल देखो, ये हुलिया, ये उम्मीद और ये अरमान कि मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेकर आऊंगा। सच तो ये है कि कल के ऑफिस के सेमिनार के फ्लावर्स हैं, गाड़ी में रह गए थे। कल के सेमिनार के? ये तो एकदम फ्रेश है। जीजू ये कल के नहीं है, मुझे पता है। ये लो, एक और बहन आ गई। लक्ष्मी तुम्हें क्या करना है, जासूसी कर रही हो हमारी? हम बात कर रहे हैं ना, तो तुम्हें बोलने की जरूरत क्या है? मैनर्स नहीं है ना? अगर नहीं है ना तो सीख लो, किसी लड़के को फंसा भी ली ना तो जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारी ये स्टूपिड हरकतें झेले, बर्दाश्त करे मेरी तरह। हर किसी की किस्मत ना मेरी तरह खराब नहीं होती है। यशु, इनकी बात का बुरा मत मानना, तुझे पता है ना गुस्से में इन्हें कुछ पता नहीं रहता, कुछ भी बोल देते हैं, पर तुझे भी नहीं बोलना चाहिए था बीच में। मैं बस अभी निकल रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो सौम्या? डिनर करके जाना। मुझे आना ही नहीं चाहिए था आदित्य, बुरा लग रहा है मुझे। I'm so sorry, सौम्या। मुझे खुद इतना बुरा लग रहा है। अब बच्चों ने इतना फोर्स किया, बुके दो। कार्ड का भी तो तमाशा हुआ ना? कार्ड तो फिर भी मैंने संभाल लिया, लेकिन ये फ्लावर्स समझ में नहीं आया मुझे, मैं क्या करूं? जो तुम्हारा है उसे देना पड़ा। I'm very sorry, सौम्या। मेरी सोच इतनी छोटी नहीं है आदित्य। और वैसे भी मंगल और मेरी कैसी बराबरी कि मुझे इस बात का बुरा लगेगा। तुमने उसे मेरे फूल नहीं, मेरे यूज किए हुए फूल दिए। अच्छा तो पहले आप बोलिए। सॉरी लक्षू, तेरे जीजू ने जो बात बोली तुझे उसके लिए सॉरी, बुरा मत मानना। क्या दीदी आप भी, मैं क्या समझती नहीं हूँ, दसवीं पास जरूर हूँ पर इतना तो जानती हूँ कि जीजू का मूड ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन दीदी आज जीजू इतनी तेज गुस्सा इसीलिए हुए क्योंकि उनको पता था कि मैंने उनको झूठ बोलने पर टोका है। क्या झूठ? लक्षू क्या बोल रही है? मैं भी वही सोच रही हूँ कि
शीजू ने ऐसे क्यों बोला? क्या झूठ? साफ साफ बोलेगी? आप मानेंगी नहीं दीदी, आप कहेंगी कि जीजू तो ऐसा कर ही नहीं सकते, आप हमेशा उनको बचाती हो। कुछ भी मत बोल, मैं ऐसा नहीं करती। और ऐसा क्या हो गया जो आज तू मुझे इतना कुछ बोले जा रही है? हाँ, एक तो आपके साथ उनका बर्ताव बहुत बुरा है, मुझे तो गुस्सा आता है, पर आपके कारण रोक लेती हूँ। लेकिन आज जीजू साफ साफ झूठ बोल रहे थे और मैंने उनको टोका तो उल्टा मुझ पर ही चिल्लाने लगे। क्या लक्षु, इतनी बार बोला है ना तुझे, काम का प्रेशर होता है तो गुस्सा आता है, उन्हें नाराज भी होते हैं, स्वभाव है उनका, मैं जानती हूँ। और तू भी ना इन सब का इतना टेंशन मत लिया कर। दीदी। हाँ? वो बुक कल के सेमिनार का नहीं है। सही कहा तेरे जीजू ने, जासूस बन रही है, ऐसे कह रही है जैसे कि तूने उन्हें देखा फूल खरीदते हुए। हाँ। और अगर मैं कहूँ कि हाँ देखा तो? मैंने उनको सुबह फ्लावर शॉप में बुके लेते हुए देखा है दीदी। अंकल मुझसे मेरा कुछ नहीं छीन सकती, और मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। I know you love me. You are so understanding. मैं तो डर ही गया था कि पता नहीं तुम्हें कितना बुरा लगा होगा। समझदारी हो तो तुम्हारी जैसी। मैं इन सब पेटी और घरेलू मामलों में फंसना नहीं चाहती आदत। I know. लेकिन सच पूछो तो सिर्फ एक ही बात का बुरा लग रहा है मुझे, जिस घर के गृह प्रवेश की पूजा है, इतनी तैयारी है, उस घर के लिए सब कुछ मैंने किया है यार। I know. From A to Z, मगर तुम्हारे घर वाले हर बात का क्रेडिट मंगल को दे रहे, जैसे सब कुछ उसी ने किया है। मंगल ये, मंगल वो, she's just a wife, और सिर्फ पत्नी होने से सारा क्रेडिट उसे मिल जाएगा क्या? बुरा तो लगेगा ना? I understand. I'm really sorry, Soumya. It's okay, forget it. क्या बोलूं इन गवारों को अब? मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूं, मैं खुद अपने हाथों से कार्ड मंदिर में रखना चाहती थी, क्योंकि मैं डिजर्व करती हूं, मंगल नहीं। दीदी क्या हुआ? पता नहीं लक्षु, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अम्मा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। बेटा अदित को आ जाने दो, फिर शुरू करते। हेलो, क्या क्या कहा? आदित, आदित, हेलो, कौन? आदित सक्सेना, कौन से रूम में? मैडम बताइए ना, प्लीज बताइए ना, कुछ तो बोलिए, हमारा बेटा कहाँ है, किस हाल में, बोलती क्यों नहीं आप? मौसी, 15 मिनट में आ जाएगा। कैसे भैया? नहीं, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है, कब से पूछ रहे हैं हम चीजों कौन से रूम में, ये भी नहीं बताया अब तक। कार्तिक, हमारा जी बैठा जा रहा है, पता नहीं आदित किस हाल में होगा। घर से तो अच्छा खासा ठीक ठाक निकला था, और ये लोग कुछ बोल भी नहीं रहे। कहा था ना लक्ष्मण, उनको परेशान मत कर, देखना कितने परेशान हो। मैंने भी 100 सवाल पूछ डाले उनसे, रोक दिया उनको, कहाँ जा रहे हैं रोक दिया, मन बहुत परेशान था उनका। भाभी भैया मीटिंग के लिए कहाँ जा रहे थे? ऑफिस की मीटिंग थी। दिल्ली के बाहर यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ तो क्या आगरा जा रहे थे रात में?